नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में का अपडेट। गुम है किसी के प्यार में पाखी विराट के बीच शुरू हुई गुटरगूं, क्या होगा सही का हाल। गुम है किसी के प्यार में टीवी टीआरपी लिस्ट में इस बार जगह नहीं बना पाया है। नील भट्ट और आयशा सिंह स्टारर गुम है किसी के प्यार में ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इस बार फैंस को कुछ कमी लग रही है। सीरियल में रोजाना ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से अपने पहले दिन से ही स्टार प्लस का यह सीरियल टीआरपी लिस्ट में जगह बनाए हुए है। बीते दिन गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड देखने को मिला था कि एक्सीडेंट के बाद पत्रलेखा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती है और फिर सही पत्रलेखा का इलाज करती है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में भी नया ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी वजह से सई पत्रलेखा और विराट से दूरी बनाती हुई नजर आएगी। शो में इन दिनों दिखाया जा रहा है कि पाखी विराट से नाराज है और उस पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन गुम है किसी के प्यार में के प्रीकैप में दिखाया गया है कि विराट पत्रलेखा को पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, वह सई और सभी को भी पूरी तरह भूल जाता है। इस प्रीकैप को देखने के बाद दर्शकों का गुस्सा ज्वालामिठी की तरफ फट रहा है, जिसके कारण टीआरपी पर भी असर हो रहा है। गुम है किसी के प्यार में के प्रीकैप में वीडियो में नजर आया है कि विराट घुटनों पर बैठकर पाखी से माफी मांगता है, वहीं पत्रलेखा उसे वचन मांगती है कि विराट उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे। ऐसे में विराट पूरे परिवार के सामने पत्रलेखा का हाथ थाम कर अग्नि का फेरा लेता है और कहता है, मैं सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सब सई वीडियो कॉल पर देख रही होती है, उसका दिल टूट जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा ये तो मेकर्स ही जानते हैं। क्या ये सब टीआरपी में बने रहने के लिए कर रहे हैं या फिर सीरियल की कहानी और लंबी करना चाहते हैं? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।